4 में हम देख चुके हैं मिस्टर गु ने नॉन को किस कर लिया था, आगे हम देखेंगे। आई सजेस्ट आप पार्ट 5 से पहले पार्ट 4 भी देख लीजिए, जिसका लिंक आपको ऊपर बटन पर मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो लाइक और शेयर करना और हाँ कमेंट कर जरूर बताना, और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। पार्ट 5 में हम देखते हैं क्या वो बिजनेस की डिटेल्स बता रहा था, बट मिस्टर गु तो अभी तक किसको इमेजिन करके खुश हो रहा था, तो क्या वो जाकर फ्रिज खोल के बॉटल निकालने वाला था, पर मिस्टर गु बॉटल उठा के कहता है ये सिर्फ मेरी है, तो वो समझ जाता है कि ये नोआनो ने दी होगी। मिस्टर गु कहता है नहीं ये एक्सपायर्ड है, तू पानी पी और निकल यहाँ से। क्याओ के जाने के बाद मिस्टर गु बॉटल फिर से फ्रिज में रख देता है। नॉन सैड थे कि मिस्टर गु ने उसे आई लाइक यू तो बोला ही नहीं, बट फ्रेंड्स कहती हैं मिस्टर गु एक सीरियस इंसान है, उसने किस किया है मतलब वो तुझे जरूर लाइक करता होगा। तो नॉन शर्मा रही थी कि क्या मिस्टर गु उसे सच में लाइक करता है, और उसे गलती से उसे इमोजी वाला मैसेज सेंड हो जाता है। वो कहता है क्या तुम मुझे मिस कर रही हो, हम कल मिलके बात करेंगे, तो वो चिल्ला पड़ती है। नेक्स्ट डे वो चोरी छिपे कंपनी आ रही थी और उसकी फ्रेंड्स उसके पीछे पीछे, तो वो डर जाती है, बट मिस्टर गु को देख के वो भाग पड़ती है। मिस्टर गु स्माइल कर रहा था, फिर तो वो जब भी मिस्टर गु को देखती छुप जाती, और एक बार तो छुपते छुपते मेंस वॉशरूम में घुस जाती है और फिर पिकाचू सूट में घुस जाती है, बट मिस्टर गु को पता चल जाता है, तो कहता है आज मैं अपने ऑफिस में ही लंच करूंगा, इस पिकाचू को भी बहुत भूख लगी होगी ना, और पिकाचू को अपने ऑफिस में रखवा लेता है। पिकाचू के अंदर की नॉन धीरे धीरे चुपके चुपके खिसकने की कोशिश कर रही थी, जैसे वो आवाज कर देता वो वहीं पे रुक जाती, तो उसे हंसी आ जाती है और फिर कहता है दोपहर हो गई, किसी को भूख लग रही होगी, कितना टेस्टी खाना है। नॉन सोचती है डेविल कहीं का, मैं नहीं खाऊंगी पर मुझे बहुत भूख लगी है, और मना कर रही थी। मिस्टर गु पिकाचू के क्लोज होने लगा था तो वो भाग पड़ती है, बट वो उसे घेर लेता है, पूछता है तुम मुझे देखना नहीं चाहती, वो हैना करती है। वो कहता है अगर तुम रोज पिकाचू बन के आओगी मैं तब भी तुम्हें देखना चाहूंगा, और सूट उतार देता है। वो नर्वस हो रही थी, बट वो क्लोज होके कहता है मैंने झूठ कहा था, अगर फिर से पिकाचू बन के आई तो कल से काम पे आने की जरूरत नहीं, तो वो गुस्सा होती है। मिस्टर गु उसे खाना खाने को कहता है, बट वो गुस्से से कहती है मैं नहीं खा रही, वापस जाकर अपने नूडल्स खाऊंगी। मिस्टर गु कहता है रुको यहीं पे, एक जरूरी बात करनी है। नॉन ठूस रही थी तो वो उसे बताता है कि एक शो होने वाला है, तो हमारी कंपनी भी पार्टिसिपेट करेगी और तुम्हारा कॉमिक सिलेक्ट हुआ है, तो तुम जल्दी से अपना प्रोजेक्ट रेडी कर लो ताकि रोड शो रिलीज कर सके। नॉन तो बहुत खुश होती है। फेंगमी अपने हाथों से खाना बना कर लाती है, क्या ऑफिस में काम कर रहा था, बट वो चुपके से रख के भागने वाली थी, पर वो उसे पकड़ लेता है, तो कहती है तुम्हें मेरे आने को कैसे पता चल गया। वो कहता है मुझे तुम्हारी आवाज और तुम्हें देखने की जरूरत नहीं, पहले पता चल जाता है वो तुम हो। वो कहती है पर देखे और सुने बिना तुम्हें कैसे पता चलता है। वो कहता है क्योंकि मुझे तुम्हारे, और उसके क्लोज होता है तो वो अपनी आईज बंद कर लेती है, बट वो बिना किस किए हट जाता है और कहता है मैं बिजी हूँ तुम जाओ। फेंगमी उसे एक रात अपने साथ रखने को कहने लगी थी, बट वो उसकी फिंगर पकड़ के बाहर कर देता है। बेचारी फेंगमी, वो उसके ऑफिस में बहुत सारे पेपर्स फेंक देती है, वो उठा के देखता है उनपे लिखा है आई लव यू, और कहती है सीनियर आई लाइक यू, बट क्या चुप। फिर वो सब रोड शो की प्रिपरेशन में लग जाते हैं। काम करते करते नॉन को किसकी याद आने लगती है, तो कहती है मैं उस डेविल के बारे में क्यों सोच रही हूँ, मुझे बस काम पे ध्यान देना है। उसका फाइल तक हाथ नहीं पहुँच रहा था क्योंकि वो बहुत ऊंची थी, तभी मिस्टर गु आकर फाइल उठा के कहता है तुम्हें चाहिए ये। वो हाँ करती है, बट वो और ऊपर रख देता है और कहता है अपना काम खुद करो, तो वो चिल्ला पड़ती है, पर काम करते करते उसे नींद के झटके लग रहे थे और सो जाती है। मिस्टर गु उसे अपना जैकेट उतार के ढक देता है और खुद नॉन का बाकी बचा हुआ काम कर देता है। वो देखने लगा था और उसे टच करके कहता है आई लाइक यू नॉन। नॉन को सपना आता है मिस्टर गु से आई लाइक यू बोल रहा है, तो कहती है वो डेविल तो ऐसा कभी नहीं करेगा, बट उसका काम हुआ पड़ा था, और भाग के आती है, पर सारे एम्प्लॉयज उसे देख के हंसने लगे थे, वो हैरान थी, और फिर अपना थोपड़ा देखती है कि उसकी शक्ल पे चीत मकोड़े बने हैं। इनफैक्ट रात में मिस्टर गु ने उसके फेस पे ये सब ड्रॉ कर दिया था, तो एम्बेरस होके भागती है और साफ करते हुए कहती है यू डेविल तू कभी नहीं सुधरेगा, ये साफ क्यों नहीं हो रहा। वो उस दिन भी हंस रही थी तो उस पर गुस्सा होती है, पर वो उसे साफ करने के लिए रेजर देती है और कहती है क्या मिस्टर गु ने कन्फेस कर दिया। नॉन कहती है वो डेविल तो मुझे बुली कर रहा है और ये क्या क्या बना दिया, कन्फेस तो दूर की बात। वो उस दिन कहती है क्या पता उसे तुम्हें टीज करने में मजा आता हो,
देखो फेस पे हर्ट भी बनाया है। क्या तुम तो मिस्टर गु को लाइक करती हो? नोनन किसको याद कर रही थी, पर कहती है मेरे पास उसे लाइक करने के लिए टाइम नहीं है, मुझे अभी सिर्फ काम पे फोकस करना है। मिस्टर गु को इतना खुश खुश देख क्या वो कहता है, कहीं तुझे नोनन से लव तो नहीं हो गया? यहाँ पे कोई नहीं है, बता दे मुझे, मैं तेरी उसे पटाने में हेल्प करूंगा। बट मिस्टर गु उसे गेट आउट कर देता है। शैन जानबूझ के नोनन से टकरा जाता है और उसे अपनी कंपनी में जॉब का ऑफर देता है, बट वो मना कर देती है। तो शैन जाते जाते जानबूझ के एक फोटो गिरा देता है। नोनन फोटो उठा के देखती है, उसमें मिस्टर गु किसी लड़की के साथ था। तो शैन कहता है ये हमारी वाइस प्रेसिडेंट है रॉय। सुना है मिस्टर गु और रॉय कॉलेज से एक दूसरे को जानते हैं, लगता है अब दोनों कंपनीज में कंपटीशन नहीं रहेगा। नोनन को शक हो रहा था। क्या वो मिस्टर गु से कहता है तू जिसे लाइक करता है वो वही है ना? मिस्टर गु कहता है बट तू उसे नहीं जानता। क्या वो कहता है अच्छा रॉय। तो मिस्टर गु से मारने लगता है, बट नोनन ये सुन लेती है और सदमे से उसकी डायरी नीचे गिर जाती है। फिर वो बैठी रो रही थी कि मिस्टर गु जब किसी और को लाइक करता था तो उसके क्लोज क्यों आया और उसने उसे किस क्यों किया। तो कहती है आई हेट यू डेविल। वो उस दिन उसे ढूंढ रही थी तो पूछती है क्या हुआ तो रो क्यों रही है। वो कहती है मुझे सच पता चल गया, अब मुझे उस मिस्टर गु की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ अपने ड्रीम्स पर फोकस करूंगी। रोड शो स्टार्ट हो गया था बट वो सैड थी। वो उस दिन कहती है तू अब अनलकी नहीं रही तो खुद पे भरोसा रख। नोनन हिम्मत करके स्पीच देने जाती है, मिस्टर गु को नोनन की डायरी पड़ी मिलती है तो वो भागता है। एंकर नोनन से क्वेश्चन पूछता है जिसका जवाब उसने डायरी में लिखा था जो उसके पास नहीं थी। तभी मिस्टर गु की एंट्री होती है और वो अपने माइक से उसे बता रहा था जो नोनन को ईयरफोन से सुनाई दे रहा था। तो वो सब जवाब दे देती है और फिर दोनों स्माइल करते हैं। बट फिर वो देखती है कि मिस्टर गु उससे बिना मिले चला गया तो सैड होती है। वो उस दिन जब जा रही थी तो एक आदमी उसे टकरा जाता है और कहता है पहचाना मुझे? वो कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मेरी फाइल वापस करो। वो कहता है पहले किस दे तो वापस करूंगा। यांग उन्हें देख के चला जाता है। वो उस दिन उसे फाइल छीनने लगी थी। वो कहता है क्या हुआ मारती क्यों नहीं है, तूने मुझसे ब्रेकअप करके मेरे थपड़ा मारा था ना, अब मेरी बारी है। और उसके थपड़ा मारने वाला था पर यांग आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे ठोक डालता है। इधर फेंगमी क्याओ का वेट कर रही थी पर एक आदमी उसे अपनी कार में लिफ्ट देने को कहता है। फेंगमी मना करती है तो वो उसे जबरदस्ती करने लगा था। तभी क्याओ आकर फेंगमी को जैकेट उड़ा देता है। फेंगमी तो उसका हीरो स्टाइल देख एकदम हैरान। क्या वो कहता है मेरी गर्लफ्रेंड को ले जाना चाहता है, मैं चलूं क्या साथ में? तो वो लड़का भाग जाता है। फेंगमी खुश होकर कहती है तुमने मुझे अपनी गर्लफ्रेंड कहा। बट वो अपनी कार में बैठ जाता है तो फेंगमी ऐसे थैंक यू कार की विंडो पे किस करके चली जाती है। वो उस दिन यांग की दवा लगा रही थी बट वो अभी भी गुस्सा था तो कहती है वो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड था और मेरे सारे पैसे लेके किसी और से एंगेजमेंट कर ली। यांग वाज लाइक तुम्हें जाके उसे और पीटूं? वो कहती है नहीं अब तो मैं उसे भूल भी गई पर उस इंसिडेंट के बाद मुझे लव करने से डर लगता है। ऐसा नहीं है कि तुम मेरे लिए सही नहीं हो, बात यह है कि मुझ में तुम्हें एक्सेप्ट करने की हिम्मत नहीं है। सॉरी यांग इसमें मेरी गलती है। तो यांग उसे हक कर लेता है। नोनन सोचती है मैं क्यों फालतू की उम्मीदें रख रही हूँ, वो डेविल तो किसी और को लाइक करता है। तभी सारी लाइट्स ऑन हो जाती है जो वहाँ पे डेकोरेशन थी और उसके गोमे की बड़ी सी फोटो लगी थी। नोनन तो एकदम हैरान थी। और इसी के साथ पार्ट 5 का एंड हो जाता है। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।